हेलो। तो इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ कि आप एमएससी जूलॉजी में जूलॉजी के एग्ज़ाम जो एंट्रेंस देने वाले हैं कोई सी भी यूनिवर्सिटी के हो, तो आप पाथफाइंडर बुक से कैसे पढ़ सकते हैं। मेरे सामने दोनों रखी हुई है, पाथफाइंडर 1 रखी हुई है और पाथफाइंडर 2 रखी हुई है, तो आप इसमें कैसे पढ़ सकते हैं। तो पहले हम बुक देखते हैं, पाथफाइंडर 1। तो इसमें हमें जूलॉजी के हिसाब से पढ़ना है। तो पहला चैप्टर आ जाता है हमारा बायो मॉलिक्यूल्स एंड कैटालिसिस, इसे हम बायो केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो पहला आ जाता है हमारे अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ये बिल्कुल हमें पढ़ने चाहिए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा आता है हमारा फाइबर्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कोलेजन है इसमें, इलास्टिन है, केराटिन है, मायोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, और बिहेवियर ऑफ एलोस्टेरिक प्रोटीन्स है, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीमोग्लोबिन से भी बहुत पूछे जाते हैं, कोलेजन से भी पूछा जाएगा कि बताओ कि जैसे हमारा हमारा बॉडी में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा आ जाता है हमारा प्रोटीन फोल्डिंग, तो प्रोटीन फोल्डिंग में हमारा क्या क्या आ जाता है, अमाइलॉइड है, यूबिक्विटिन है, एनएंड्रूल है, मॉलिक्यूल चैपेरॉन्स है। तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा जो कि एक बार हमारे एमएससी जूलॉजी टीम में पूछा गया था कि क्या होता है, कौन सा होता है जो प्रोटीन फोल्डिंग में काम आता है, हमारा सेल में कौन सा होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोटियोसोम्स। तो प्रोटीन सिक्वेंस ऐसा से ये इतना ज़रूरी नहीं है, आपको करना चाहे तो कर सकते हैं बाद में। न्यूक्लिक एसिड बहुत ज़रूरी है, 4 ग्राफ रूल तो और ज़रूरी है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है उससे, कि हमारे यूनिट दे देते हैं कि वो हमारे बेसिक वो 4 होता है ना हमारा, एडेनाइन होती है, एक साइटोसिन होता है, एक होता है गुआनिन होता है, और एक टायरोसिन होता है, तो उनमें से ऐसे कुछ 2 की वैल्यू दे देते हैं, तो फिर एक की निकालनी होती है इसमें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं 4 ग्राफ रूल्स से, स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सारा कर लीजिए। दूसरा ये देखिए, क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये सारे जरूरी होते हैं। आरएनए, तो आरएनए में देखे तो आरएनए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, थोड़ा बहुत कर सकते हैं ऐसे आरएनए को। दूसरा आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको हाँ ये मोनोसैकेराइड करने जरूरी है, एपिमर्स भी कर सकते हैं, और बाकी ये इम्पोर्टेंट ही है एक तरीके से, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारा अमीनो एसिड्स है इम्पोर्टेंट। अमीनो एसिड्स हो गया, या फिर डीएलडोज, या फिर ये न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। एक हो गया फिर हमारा लिपिड्स हो गया, तो लिपिड्स में हमारा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि हमारा स्टेरॉयड हार्मोन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टेरॉयड हार्मोन जरूरी है कर लेना। और बाकी विटामिन से भी आते हैं कई बार क्वेश्चन, जैसे कि हमारे विटामिन बी से पूछ लेंगे, विटामिन बी में क्या क्या वो होता है, नाम क्या होता है विटामिन बी का, दूसरा नाम, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन से। बात करें एंजाइम तो इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि इसमें आप, और ज़्यादा कोई डिफिकल्ट भी नहीं है एंजाइम्स को याद रखना, उनकी क्लासिफिकेशन को याद रखना, 6 क्लासिफिकेशन होती है हमारी, तो उसे बस नॉर्मली याद रखना है। ये आप छोड़ सकते हैं ये वाला पार्ट, रिएक्टिव ऑक्सीजेशन। तो देखिए ये सारे इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना। दूसरा देखते हैं बायो मॉलिक्यूल, बायो एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म, तो इसे एक तरीके से मेटाबॉलिज्म ही कह सकते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें आ जाता है बायो एनर्जेटिक्स, तो ये जरूरी नहीं है ये मत करना। मेटाबॉलिज्म भी कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा कुछ जानना नहीं है इसमें। मेटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है 2 मॉलिक्यूल्स को जुड़ के जो बनता है ना, वो एनाबॉलिज्म कहते हैं, और कैटाबॉलिज्म टूटने से बनता है, टूटने का होता है। और रेस्पिरेशन की बात करें तो ये बिल्कुल ज़रूरी है, इसमें सारी साइकिल याद कर लेना, इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, आप यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से बना रखी है। हमारा ग्लाइकोलिसिस हो गया हमारा, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया हमारा, या सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, तो इनकी यूट्यूब वीडियो देख लेना, इसमें से करने से याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
समझना जरूरी है, क्योंकि ये और बाकी कैमियो सिंथेटिक कैमियो ऑस्मोटिक्स थ्योरी ये कर लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वैसे। और बाकी देखे तो हमारा ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है फर्मेंटेशन कर लेना, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे भी। बाकी ये मत करना रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। और बाकी देखे तो हमारा ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल ये मत करना, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ये कर लेना, एंटनर डोडोरोफ पाथवे ये ज़्यादा ज़रूरी है ये मत करना, फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस आप छोड़ दीजिए, ये करने की ज़रूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस पूरा पार्ट। फोटो रेस्पिरेशन सी वो साइकिल कर लेना, कैम पाथवे कर लेना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये कर लेना बिल्कुल जरूरी है, भी ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म हो गया हमारा, और लिपिड मेटाबॉलिज्म में हमारा कुछ चीज़ छोड़ देना, हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल छोड़ देना, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड कर लेना, और सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स कर लेना, और बाकी दूसरे करते तो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हमारा क्या क्या आ जाता है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मोलिक्यूल्स डिराइव फ्रॉम इन अमीनो एसिड्स ये ज़्यादा ज़रूरी है ये कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, तो न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये भी इतना ज़रूरी नहीं है ये मत करना, क्योंकि अगर टाइम बचता है आप पे तो तब जरूर करना है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, तो इसमें देखे तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में देखे हाँ तो इसमें आपको मेन क्या क्या है तो आप कर सकते हैं, इसमें हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर सकते हैं, राइबोसोम कर सकते हैं, और वेसिकल फ्यूजल छोड़ दीजिए, लाइसोसोम कर लीजिए, वैक्यूल्स कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया कर लीजिए, प्लास्टिड कर लीजिए, पेरोक्सिसोम कर लीजिए, न्यूक्लियस कर लीजिए, साइटोस्केलेटन ये बहुत ज़रूरी है कर लेना, अगर आप ड्यू में पेपर देने वाले हैं हमारा एमएससी जूलॉजी का, तो ये पोर्शन पूरा बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे ले जाते हैं। पता नहीं 2019 में कुछ डाइनिन से पूछा गया था क्वेश्चन। सेल फंक्शंस ये रहने दीजिए, प्लांट सेल वाल छोड़ दीजिए, सेल सिग्नलिंग कर लीजिए, GPCR और जी प्रोटीस ये बहुत ज़रूरी होता है। बाकी बात करें तो सेल साइकिल ये कर लीजिए, मैकेनिज्म सेल डिवीजन ये बिल्कुल कर लीजिए। तो अब आता हमारा चौथा चैप्टर प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस, तो इसमें देखिए तो हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल कर लीजिए, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है ये करने में तो ये कर लीजिए। और बाकी बात करें कल्चरल मीडिया ये भी कर लीजिए, बात करें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन कंजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है ये कर लेना, और बाकी हमारा आर्क बैक्टीरिया इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, थोड़ा सा ही है वैसे भी पढ़ सकते हैं आप आर्क बैक्टीरिया। और बाकी देखे तो हमारा वायरस भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस ब्लैक ऐसे पढ़ लेना हमारा ठीक है, और बैक्टीरियोफेज का थोड़ा पढ़ लेना, वही जो बेसिक होता है हमारा बैक्टीरिया में अटैक करता है, और ये मत पढ़ना, ये प्लांट वायरस मत पढ़ना, एनिमल वायरस पढ़ना खाली। और प्रायोन्स एंड फ्रॉइड्स ये आप पता नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये। इम्यूनोलॉजी, तो इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, और ज़्यादा मात्रा में भी पूछ सकते हैं। तो इम्यूनोलॉजी में देखे तो हमारा क्या इम्पोर्टेंट है, आपको ये पहले पढ़ लीजिए इननेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी, इननेट से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप पढ़ लीजिए, नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। और बाकी हमारा एंटीजन्स की बात करें तो हमारा एंटीजन भी पढ़ लीजिए, मेजर हिस्टोलाइटी कॉम्प्लेक्स पढ़ लीजिए, लेकिन डीप में मत पढ़िए ऐसे एकदम। और बात करें इम्यूनोग्लोबिन ये बिल्कुल पढ़ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है,
ये तो पूछ ही जाते हैं, बी सेल मैचुरेशन एक्टिवेशन ये जांच जरूरी है, ये मत पढ़िए काइनेटिक्स और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ये छोड़ दीजिए, और साइटोकाइंस पढ़ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ लीजिए, ये छोड़िए, ऑटो इम्यूनिटी पढ़ लीजिए और इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ लीजिए, वैक्सीन्स पढ़ लीजिए। तो बस अब छठे पे आते हैं हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। अब क्योंकि आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो जूलॉजी में हमारा ये प्लांट पोर्शन भी इसमें दे रखा है हमारा, देखिए कौन सा ये रहा, प्लांट पोर्शन दे रखा है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। अगर आप जैसे कोई आप MSc लाइफ साइंस से करना चाहते हैं, जैसे कि JNU हो गया, तो JNU के लिए तो आपको ये पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको ये प्लांट पोर्शन में नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जूलॉजी का दे रहे ना आप, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, बाकी ये नॉर्मल चीज़ है, ये नॉर्मल चीज़ पढ़ लीजिए। बाकी प्रोटिस्ट इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी पढ़ लीजिए। फंगाई थोड़ा बहुत पढ़िए, एनिमेलिया और ये मेन पोर्शन है, ये बिल्कुल पढ़ लीजिए। तो अब दूसरी बुक पे आते हैं हमारे पार्ट टू में। तो पहला ही चैप्टर आता हमारा कौन सा, जेनेटिक्स। ये सबसे बड़ी यूनिट है पूरे इसकी, पाथफाइंडर की। तो बात करें तो मेंडल प्रिंसिपल से कर लीजिए, जीन इंटरेक्शन में प्लियोट्रॉपी कर लीजिए, क्रोमोसोम बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये कर लीजिए, जीन लिंकेज जीन मैपिंग कर लीजिए, हमारा जैसे हो गया हमारा जीन मैपिंग फॉर्म, ये ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िएगा, ये दो पढ़ लीजिए, ये तीनों पढ़ लीजिए, पर ये थोड़ा सा पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना। टेट्रॉन एनालिसिस ये छोड़ दीजिए। ये दूसरा आ जाता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये बिल्कुल पढ़ लीजिए, ये दोनों पढ़िए। डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स ये छोड़िए बिल्कुल। मोसाइज़म पढ़ लीजिए, ये बिल्कुल पढ़िए, ये भी पढ़िए। पेडिग्री एनालिसिस ज़्यादा मत पढ़िए। अब आता है क्वांटिटी ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसमें ये छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल पढ़िए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इफेक्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरा आने था साइटोजेनेटिक्स, तो साइटोजेनेटिक्स में देखें तो हमारा ये बिल्कुल पढ़िए, ह्यूमन कैरियोटाइप, क्रोमोसोम बाइंडिंग पढ़िए, वेरिएशन क्रोमोसोम नंबर पढ़िए, ये दोनों छोड़ दीजिए नीचे के। जीनोम की बात करें तो जीन का थोड़ा सा पहुँचना है आपको, पढ़ लीजिए। इंट्रॉन्स पढ़ लीजिए, और हमारा क्या हो जाता है हमारा जीन डुप्लीकेशन छोड़िए, ह्यूमन न्यूक्लियर जीनोम पढ़ लिए, ऑर्गेनल जीनोम पढ़िए, ये वाई ईस्ट एस सर्विसाई जेन्यूम पर जीनोम पढ़ लीजिए, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स पढ़ लीजिए। इसमें देखे तो हमारा पैकेजिंग बिल्कुल पढ़िए, पैकेजिंग ऑफ DNA टू क्रोमोसोम्स, हेटरोगन यूक्रोमोटोन ये बिल्कुल पढ़िए, लैम ब्रश पढ़िए, क्रोमोसोम्स ब्री क्रोमोसोम्स पढ़िए। DNA रेप्लिकेशन की बात करें तो DNA रेप्लिकेशन में आपको ये पढ़ सकते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। टेलोमर ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। रिकॉम्बिनेशन की बात करते होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पढ़ लीजिए। DNA रिपेयर, तो DNA रिपेयर में आप पढ़ सकते हैं, ये तीनों पढ़िए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिए आप। SOS रिस्पॉन्स ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, SOS रिस्पॉन्स से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप बिल्कुल पढ़िए। ट्रांसक्रिप्शन पढ़िए, RNA प्रोसेसिंग ज़्यादा जोर से ना पढ़िए, बस हल्के सा पढ़ लीजिए इसे RNA प्रोसेस को। और बात करें तो हमारा ऑपरन मॉडल पढ़ लीजिए, ट्रिप्टन ऑपरन ट्रिगलाइड पढ़ लीजिए, RNA इंटरफेरेंस पढ़ लीजिए हमारा।
ये जो जीते पोर्शन है ना, ये तो इसको आप हल्के से पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप मत जाइएगा इसमें। ये जो पोर्शन है म्यूटेशन, म्यूटेशन बिल्कुल पढ़िए, ये पूरा का पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। डेवलपमेंटल जनरेसी ये छोड़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते कॉम्बिनेंट डिटे हैं टेक्नोलॉजी में, तो फास्ट जाता हूँ क्योंकि लंबी बननी है वीडियो मेरी। बाकी इसमें आप डीएनए लाइब्रेरी थोड़ा सा पढ़िएगा बस, वो ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। प्लांट टिश्यू कल्चर बिल्कुल काटी है, एनिमल टिश्यू कल्चर पढ़िए बस। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए, जीन थेरेपी थोड़ी सी पढ़िए। अगले पे आता हूँ हमारा प्लांट फिजियोलॉजी, तो ये पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले बताया था मैंने आपको कि आप जूलॉजी के लिए दे रहे हो, आप लाइफ साइंस के लिए पेपर नहीं दे रहे हो, तो प्लांट नहीं पढ़िए। बात करते हैं हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप क्या पढ़ सकते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप, मैं तो कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल पढ़नी चाहिए। टिश्यू बिल्कुल पढ़िए, नर्व सिस्टम बिल्कुल पढ़िए, बहुत आसान है ये, आराम से कर सकते हैं आप नर्वस सिस्टम को पढ़ सकते हो। आई ये दोनों पढ़िए, इम्पोर्टेंट है। एंडोक्राइन सिस्टम बिल्कुल पढ़िए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़िए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी पढ़िए, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़िए और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़िए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़िए और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी पढ़िए। ये मैंने इसलिए बोला कि पूरी यूनिट अच्छे से पढ़िए क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत, और ये यूनिट इतनी भी कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं इस यूनिट से, इसलिए आपको ये अच्छे से करके जानी है पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी को, कोई डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा। अब बात करते हैं हम इकोलॉजी की, इकोलॉजी में आप पढ़ सकते हैं हमारा, ये छोड़िए जो सारा पोर्शन है। न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ लीजिए, डिकम्पोजिशन पढ़ लीजिए, फूड चेन पढ़ लीजिए, हमारा एनर्जी फ्लो पढ़ चुकी है, ये सारा पढ़ लीजिए एकदम। और ये छोड़िए, ये दोनों इको इम्पोर्टेंट है, छोड़िए इसे। बायोम्स पढ़ लीजिए, बायोम्स के डिटेल पढ़ लीजिए क्या चीज़ होती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी ये छोड़िए, कम्युनिटी इकोलॉजी ये भी छोड़िए, लॉटका वर्ल्ड टेरा पढ़िए, ये छोड़िए, इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन ये पढ़िए, इकोलॉजिकल नीचे पढ़िए, नाइक पढ़िए और इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ लीजिए, बायोडाइवर्सिटी छोड़िए, बिहेवियल इकोलॉजी ये भी छोड़ दीजिए। बात करते हैं हम एवोल्यूशन की, तो एवोल्यूशन में हमारा क्या क्या है, ये दोनों पढ़िए, लमा किस्म और डार्विनियम, इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, छोटा चैप्टर है पर बहुत इम्पोर्टेंट होता है एवोल्यूशन भी, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन पढ़ लीजिए हमारा, पॉपुलेशन जेनेटिक्स बिल्कुल पढ़िए, आर्डिन प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ एलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्वेंसी ये छोड़ दीजिए, ये छोड़िए, स्पीशीज एंड स्पीशिएशन ये पढ़ लीजिए, मैक्रो एवोल्यूशन पढ़ लीजिए, नॉर्मल सी डेफिनेशन टाइप होगी वो पढ़नी है बस आपको, फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ लीजिए, बोरेनिया फिर पढ़ लीजिए, जियोग्राफिकल टाइम्स के लिए बिल्कुल पढ़िए, और बेसिकली बस यही था। तो